नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये 25 लीटर का गोदरेज का माइक्रोवेव आया है। इसमें जैसे कस्टमर की कंप्लेंट है कि माइक्रोवेव को जैसे ही चालू करते हैं इसमें से स्पार्किंग की आवाज़ आने लगती है, तो ये क्यों आती है और कहां से आती है ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मशीन को अभी ऑन किया है। अभी जैसे मशीन ऑन हो जाएगा तो उसमें मैग्नेट्रॉन में से स्पार्किंग की आवाज़ आनी चालू हो जाएगी। देखिए, आप सुन पा रहे होंगे उसकी आवाज़, स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है उसमें से। जैसे कि अभी आपने देखा कि मशीन को जैसे ऑन किया उसमें से मैग्नेट्रॉन में से आवाज़ आने लगी। तो चलिए मैग्नेट्रॉन को खोल के देखते हैं मैग्नेट्रॉन में प्रॉब्लम क्या है, उसको खोल के अभी चेक कर लेते हैं क्योंकि मैग्नेट्रॉन का प्रॉब्लम है या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए फटाफट मैग्नेट्रॉन को खोल लेते हैं। अभी हमने मैग्नेट्रॉन को खोल लिया है। मैग्नेट्रॉन को खोलने के बाद अभी उसमें चेक करेंगे मैग्नेट्रॉन का प्रॉब्लम है या फिर मशीन के अंदर और कोई पार्ट की खराबी है, जिससे कि जैसे तो लग तो रहा है कि मैग्नेट्रॉन के अंदर से आवाज़ तो आ रही थी तो मैग्नेट्रॉन ये लग रहा था। बाकी मैग्नेट्रॉन क्यों खराब हुआ वो भी हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए, वो तो हम लोगों को अभी पता चल गया है कि मैग्नेट्रॉन किस वजह से जला है, उसकी नोजल किस तरीके से जली है, उसमें से स्पार्किंग के आवाज़ क्यों आ रहा था वो तो मुझे हम लोगों को पता चल गया है। वो देखिए दोस्तों, इसमें तो हम लोगों ने पता लगा लिया है कि मैग्नेट्रॉन खराब किस कारण से हुआ था, ये तो हम लोगों ने पता लगा लिया है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग करनी होगी। हम लोग प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, मैग्नेट्रॉन जो है लग चुका है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि जो भी हम लोग पार्ट्स निकालते हैं, जिस जगह से निकालते हैं जो भी पार्ट, उसको वहीं पे अब हम लोगों को अच्छी तरीके से फिटिंग करना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ पार्ट गलत लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी हम लोगों को भी दिक्कत होती है और कस्टमर को भी दिक्कत होती है। तो हमको खास तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस जगह से कोई भी पार्ट हमको निकाला है उसी जगह पर हम लोगों को उसको फिर से लगाना है। ये ध्यान में रहेगा तो ये अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। कस्टमर भी परेशान होगा, हम लोग भी परेशान होंगे। देखिए दोस्तों, सब काम अच्छे तरीके से करने के बाद अभी मशीन को मैंने ऑन कर दिया, मशीन चालू हो गया। आधे मिनट का इसमें मैंने टाइम रखा था, अभी मशीन चालू हो गया। अभी आपको सुनाई दे रहा होगा किसी भी प्रकार का इसमें स्पार्किंग का आवाज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो प्रॉब्लम था मैग्नेट्रॉन का था। अपने ने इसमें नया मैग्नेट्रॉन डाल दिया, मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस कर दिया। पर ये मैग्नेट्रॉन ख़राब क्यों हुआ था वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको वो सब चीज़ें आपको बता दूंगा। देखिए, मशीन को हमने चेक करने के लिए गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें एक पानी का एक कप रखा था। देखिए, आपको देख पा रहे होंगे कि पानी अच्छी तरीके से इसके अंदर रखने के बाद गर्म हो चुका है और उसमें से भाप भी निकली, मतलब इस ये गर्म होने का
गर्म हो रहा है इसका मतलब हमारा जो माइक्रोवेव है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके से की प्रॉब्लम नहीं है। अभी मशीन अच्छी तरीके से काम करने के बाद मशीन अभी ओके है। देखिए दोस्तों, अभी आपको माइक्रोवेव के अंदर का एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, और माइक्रोवेव के अंदर के फ़ोटो में एक सिल्वर कलर का पेपर का एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और यही पार्ट खराब होने की वजह से हमारा जो माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन खराब हुआ था। अब ये पार्ट खराब कैसे हुआ था? जैसे कि हम लोग माइक्रोवेव के अंदर खाना बनाना हो या गर्म करना हो, उसके लिए हम लोग जो भी खाने का आइटम है उसके ऊपर ऑयल हम लोग लगाते हैं। अब जो ऑयल हम लोग खाने के ऊपर लगाते हैं, खाना पकने के बाद माइक्रोवेव के अंदर वो पूरी तरीके से फैल जाता है। अब ये जो पार्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल लग गया था। अभी ऑयल लगने के कारण जो मैग्नेट्रॉन के जो वेव्स है यही पार्ट के थ्रू सामने के साइड यानी कि खाने के ऊपर पास होती है। अभी ये पार्ट के ऊपर ऑयल ज़्यादा मात्रा में लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था। गर्म होने के कारण उसमें एक छोटा सा छेद हो गया। अब छेद होने के कारण मैग्नेट्रॉन के जो वेव्स है वो डायरेक्ट वो छेद में से पास होकर डायरेक्ट बॉडी के अंदर की जो कैविटी है, कैविटी के अंदर स्पार्किंग कर रहे थे। उसके वजह से स्पार्किंग होने की वजह से मैग्नेट्रॉन की जो नोजल है वो जल गई है, और साथ ही साथ मैग्नेट्रॉन भी ख़राब हो गया। देखिए दोस्तों, छोटी चीज़ के लिए बड़ा नुकसान अगर आप लोगों को नहीं करवाना है तो आप लोगों को हर दिन माइक्रोवेव के अंदर की साफ सफाई आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो ख़राब नहीं हो। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।